हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे वेरी लाइट स्मोकी आइज। तो मेरी क्लाइंट का बेस बिल्कुल मैंने तैयार कर दिया है, आप देख सकते हैं। लाइट से आईब्रोज शेप दे रहे हैं ताकि थोड़े से डिफाइन आए। क्लाइंट को मेरे बिल्कुल लाइट मेकअप चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंगे एक मिनिमम से लाइट ब्राउन शेड। दो क्रीज लाइन में हम अच्छे से ब्रश से, फ्लफी ब्रश से इसको अच्छे से डेवलप कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे, दूसरी आई में भी सेम सर्कुलर मोशन में ब्रश की हेल्प से, फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसको सर्कुलर मोशन में क्रीज को डेवलप कर लेंगे कलर को। अब हम लेंगे थोड़ा सा इससे डार्क कलर, डार्क कलर से क्रीज लाइन में अच्छे से इसको डेवलप करेंगे, थोड़ा और डार्क हो जाए जिससे कि नज़र आने लग जाए। सेम दूसरी तरह से इसी दूसरी आईज पे करेंगे, फ्लफी ब्रश से सर्कुलर मोशन में अच्छे से डेवलप करेंगे। अब हम लेंगे एक ब्राउन कलर आई शेडो, लेंगे ब्राउन कलर का डार्क सा और इसको आई बॉल एरिया पे यू शेप में क्रिएट करेंगे। इसको अच्छे से कलर को दोबारा से लगाएंगे ताकि अच्छे से कलर हमारा इंटेंस बन जाए, ताकि कलर अच्छे से डेवलप हो। सेम इस तरह से ब्राउन कलर लेके दूसरी आई पे भी देखिए आप यू शेप में ये कलर को डेवलप करेंगे। आईब्रोज मुझे थोड़ी सी लाइट लग रही है तो मैं दोबारा से हल्की सी फिनिशिंग दूंगी। यू कैन सी क्लाइंट को बहुत ही लाइट मेकअप चाहिए, बट आई इनको थोड़ी सी अच्छी चाहिए, स्मोकी आइज। अब देन नेक्स्ट टर्न है लाइनर की, लाइनर को अच्छे से लगा लेंगे। देन टर्न टू आई लैशेज, पिन की हेल्प से इसे अच्छे से फिक्स करेंगे। देन थोड़ा सा अपवर्ड्स करेंगे ताकि ये डाउनवर्ड्स ना लगे। सेम इसी तरह से दूसरी आई पे अब हम कंटूर करेंगे। बेस हमने ऑलरेडी पहले तैयार कर लिया जैसे कि मैंने बताया। कंटूर की हेल्प से थोड़ी सी शेप आ जाती है, क्लाइंट का फेस थोड़ा सा चबी शेप में है तो हम थोड़ा सा शेप इनको देंगे ताकि थोड़ा सा थिननेस पे नज़र आए। देन नेक्स्ट टर्न टू एपल ऑफ द चीक्स ब्रश ऑन, ब्रश ऑन के बाद हम लगाएंगे हाइलाइटर जिससे कि फेस पे एकदम शाइन आ जाएगा, ये ग्लो आ जाएगा बेस, क्योंकि हमारा परफेक्ट है, सी द मैजिक। अब हम नोज़ को थोड़ा कंटूर करेंगे ताकि और अच्छे से इनकी नोज़ थोड़ी थिन लगे, फीचर्स शार्प हो जाएं। फ्लफी ब्रश से थोड़ा सा और लगाएंगे क्योंकि कम लग रहा है। सीधा शेप में देखिए कितना चेंज आया है। देन नेक्स्ट टर्न है ग्लिटर की, ग्लिटर को आई बाउल एरिया पे जहाँ हमने कलर डेवलप किया था डार्क ब्राउन कलर, उसी पे ब्रश की हेल्प से टैप टैप करके, ग्लू मैंने पहले लगा दिया है, ग्लू पर हम ग्लिटर को लगाएंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से सूथिंग लुक आ रही है, वेरी नाइस। कंटूर, ब्लश ऑन, हाईलाइट, एवरीथिंग अपने पॉइंट पर है, क्लीन फेस है एकदम। यू कैन सी क्लाइंट की स्किन में कितना चेंज आया है। देन नेक्स्ट टर्न है हमारी मस्कारे की, आई लैशेज हमने पहले लगा लिया, आई लैशेज को हम एक साथ मिला के ब्रश की हेल्प से मस्कारा लगाएंगे। देन हम थोड़ा सा आई शेडो को डार्क करेंगे कॉर्नर ऑफ द आईज ताकि थोड़ा सा और हाईलाइट हो जाए। कई बार हम पूरा मेकअप होने के बाद थोड़ा हाईलाइट करते हैं। देन लोअर लैश लाइन पे लाइनर लगाएंगे, हल्का सा आई शेडो कलर जो हमने फर्स्ट लिया था वो हम लोअर लैश लाइन पर लगाएंगे ताकि इनकी थोड़ी सी आईज में रिफ्लेक्शन आ सके सेम कलर का, और आईज थोड़ी सी बड़ी लगती हैं। ग्रीन पेंसिल से कॉर्नर ऑफ द आईज पे मैं हल्का सा इल्यूजन दे रही हूँ। देन नेक्स्ट टर्न है लिपस्टिक की, लिपस्टिक शेप देते हुए लगाएं आप। अब हम फिक्सर से मेकअप को फिक्स करेंगे, कंप्लीट मेकअप हो गया, मेकअप फिक्सर है ये, बहुत ही शाइन देता है और बेस को एकदम फिक्स कर देता है, सीधा कंप्लीट लुक। हेयर स्टाइल इनका हमने किया है टोंग रॉड की हेल्प से, इनके ओरिजिनल बालों में ही हमने ये टोंग करे हैं, कर्ली हेयर के इनके, और बहुत ही अच्छी सी लुक आ रही है। इनको बिल्कुल भी आर्टिफिशियल लुक नहीं चाहिए थी, एक्सटेंशन नहीं लगाना था इनको, अपने ओरिजिनल हेयर के साथ ही रेडी होना था, एंड बहुत ही अच्छी लुक आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। फीलिंग वेरी गुड, थैंक यू फॉर मेकिंग मी लवली, थैंक यू।